सोल कनेक्शंस. सोल कनेक्शंस क्या हैं, सोल रिलेशनशिप्स क्या हैं, जो हमारी फैमिलीज हैं जिनके साथ हम जन्म लेते हैं, बर्थ होता है हमारा जिस फैमिली में, क्या वो सोल कनेक्शंस होते हैं क्योंकि हमारा जन्म उसी फैमिली में हुआ है, और या फिर कुछ और हमें ढूंढना पड़ता है उन सोल्स को जिनके साथ हमारे कनेक्शंस हैं. ये बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं. सो जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे इसका थोड़ा सा भी आभास होता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है, तो सोचा कि आपके साथ इस नॉलेज को, इस लाइट को शेयर करूँ. Hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. Thank you so much for all your support, all your love and all your wishes. So today we are talking about soul connection and what are soul connections, kya hote hain, atmic connections, jo relations jo hain wo kya hote hain, uske bare mein baat karenge. Uske pehle aapse ek baat puchna chahungi, kya aapne channel ko subscribe kiya hai ya nahi abhi tak. अगर आप वीडियोस देखते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोस एंड फॉर वॉचिंग द वीडियोस. अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो डेली जो सिर्फ 6 PM अपलोड्स नहीं, उसके अलावा भी जो शॉर्ट्स आते हैं या और भी सारी नोटिफिकेशंस हम ट्राई करते हैं आपके साथ शेयर करने का, वो सब भी आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे. ऑलराइट, एंड यू विल बिकम आवर यूट्यूब एक्सटेंडेड फैमिली विच इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट टू अस. ओके जी, सो लेट्स टॉक अबाउट सोल कनेक्शंस. क्या होते हैं सोल कनेक्शंस? देखिए, जिस फैमिली में हमने जन्म लिया है उसके साथ तो कनेक्शंस हैं ही, उनके रोल्स तो लिखे ही हुए हैं हमारे इस प्ले में, हमारे इस प्लान में. उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी हॉलीडे पे जाते हैं, हम किसी इवेंट में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहीं पे भी, ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में, कहीं पे भी आपको कोई स्ट्रेंजर मिलते हैं और उनके साथ आपके नंबर्स एक्सचेंज होते हैं और या फिर कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं, और उसके बाद वो कहीं अपने रास्ते चले जाते हैं और हम अपने रास्ते चले जाते हैं. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उनके बाद में भी, उस इवेंट के बाद भी उनको कॉल करते हैं, कनेक्शंस बन जाते हैं और हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. ये होते हैं सोल कनेक्शंस. लेकिन जब उन स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद में हम ये सोच लेते हैं कि क्या फ़ोन करना, क्या किसी को कॉल करना, ठीक है मिले थे, इट्स ओके, छोड़ो, क्या करना है दोबारा कॉन्टैक्ट करके. तो यहाँ हम गलती करते हैं क्योंकि वो हमारे सोल कनेक्शंस हैं. इस प्लान में कहीं ना कहीं उनका कुछ रोल है, क्योंकि आप एक हॉलीडे पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी एक ने आपके साथ नंबर एक्सचेंज किया, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? आप इतनी बड़ी फ्लाइट में बैठे हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे इतने सारे कंट्रीज से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक या दो लोगों ने आपके साथ अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किए, आपसे बात करी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सोचने वाली बात है? यदि हम उनके साथ कांटेक्ट नहीं बना के रखते या नहीं बनाना चाहते, तो कहीं ना कहीं जो इस डेस्टिनी ने जो प्लान लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो उनकी एंट्री हुई हमारी लाइफ में, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं और उसको जाने देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं बना के रखने हैं कॉन्टैक्ट्स. तो जो कार्मास हमें बैलेंस करने थे उनके साथ में, उनको हमें पे करने थे या हम भोगने पे करने थे, किसी भी टर्म में, इट्स नॉट लाइक कि मॉनेटरी टर्म्स या किसी भी टाइप से, फ्रेंडशिप के थ्रू या किसी और वे में, वो वहीं रह जाएंगे, पेंडिंग रह जाएंगे, फिर दोबारा से ढूंढना पड़ेगा. सो इजंट इट बेटर कि अभी जब वो हमें मिले हैं तो हम उनके साथ में कॉन्टैक्ट्स बना के रखें. और आप देखेंगे जब भी आप उनको वापस फ़ोन करेंगे या ट्राई करेंगे कॉन्टैक्ट करने का, या दोबारा से मिलेंगे या अपनी रिलेशनशिप, एक लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप उनके साथ बना लेंगे, तो जब भी आप उनसे मिलेंगे यू विल एक्चुअली फील वेरी गुड, वेरी गुड. आई मीन दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग विच यू जस्ट, आप उस फीलिंग को कभी कभी बयां भी नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि ये कैसी फीलिंग है, मतलब कैसे, ऐसे कैसे होता है कि चलते चलते कोई बात करी किसी ने 2 मिनट, 3 मिनट या फिर थोड़ी देर, और उस कॉन्वर्जेशन में हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि फैमिली की तरह से हम बिहेव कर रहे हैं.
तो ये सारी बातें बहुत सोचने लायक हैं। और प्लीज़ उसकी जो जो उसके मैं कहूँगी कि यूनिवर्स के या उन डिवाइन पावर्स के जो ये प्लान्स हैं, जो ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स हैं, इनको इग्नोर मत कीजिए। ये बहुत बड़े और बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस हैं हमारी लाइफ के। हम सिर्फ लिख कर आए हैं वहाँ से, अब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो है ना हाई पावर्स, वो चला रही है हमारे प्लान को। तो आप समझिए इस बात को, किसी भी बात का होना या किसी भी इंसिडेंट का होना, कभी भी सडनली चाहे होना, वो पर्पसलेस नहीं होता है। That is always having some meaning. So try and understand that. अगर कभी ऐसा हुआ, किसी के साथ contacts change हुए थे, so please जल्दी से उनको call कीजिए, उनसे contact बनाइए, उनको मिलिए और feel कीजिए that soul connection. This is what soul connections are. Families तो हैं ही, they are the blood relations, they have soul connection. Sometimes it happens. Blood relations are not having just the soul connection. उनके साथ सिर्फ कर्मास बैलेंस होने होते हैं और फैमिलीज समटाइम्स सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ये जो होता है कि स्ट्रेंजर्स जो हमारे साथ ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, किसी फैमिली के रिलेशन में भी नहीं है, बट स्टिल वो हमें मिलते हैं और उनके साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द सोल कनेक्शन एंड दीज आर वे टू इम्पोर्टेंट। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड और रिकॉल कीजिए जिनके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है, प्लीज गो एंड कॉल देम बैक एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।